बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ा, पूरा देश चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री ने 8 सालों में आपने कोई नौकरी नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया और आज आपने देश को भेज दिया, आपने रेल भेजा, हवाई जहाज भेजा, कल कारखाने सारे आपने भेज दिए, नोट भेज दिया, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज आप देश की सेना को बेचने जा रहे हैं, इसका आक्रोश आज हमारे तमाम युवाओं के साथ है। आप देख लीजिए, आप लोग युवा सड़क पर है और मैं कहना चाहता हूँ किसी कीमत पर हम लोग ये अग्निपथ, देश होगा खुल से लखपथ, लेकिन ये अग्निपथ हम नहीं होने देंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ पहले भी अग्निपथ फ्लॉप था और इस बार भी अग्निपथ फ्लॉप होगा, मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ। आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि हमारे सेना को मोदी के हाथ, अदानी अंबानी के हाथ में भेज दें? अब 4 साल में हमारा युवा रिटायर हो जाए, युवाओं के साथ भविष्य खिलवाड़ करे, ये हम लोग नहीं चलने देंगे। आज तमाम युवाओं के पेट में रोजगार, अपने पेट में लात मारने का काम किया और खास करके मैं ये भी कहना चाहता हूँ सेना जो सीने में गोली खाती है उस पर भी आपको डाउट हो गया है, कैसा देश प्रेमी है आप, ये नकली देश प्रेमी है लोग, ये भाजपा के लोग नकली देश भक्त है, इसलिए इनका असली चेहरा सामने आ गया है। जब तक ये लोग, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, तब तक 2 साल में आप कितना नौकरी दीजिएगा? हम लोग ठगते हैं युवाओं को, ये अग्निपथ की जब तक आप वापस नहीं लीजिएगा ये धरना हम लोग का चलता रहेगा, यही हम कहने के लिए आए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।